दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि हम अपने प्रेजेंट समय से पास्ट व फ्यूचर में कैसे जाएं। ऐसा तो संभव है, लेकिन पर कैसे? इतिहास में ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जब कोई आदमी टाइम ट्रेवल करके समय से आगे आया था या अपने समय से पीछे चला गया था। टाइम ट्रेवल 1987 से ही अस्तित्व में आया है। लोगों का मानना है कि यह संभव नहीं है, पर अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह संभव है। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इतिहास में दर्ज ऐसी ही घटनाएं हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जस्ट फैक्ट अमन को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये बात है दिसंबर 2008 की, जब चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट को एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिस पर 10:06 का टाइम पर रुका हुआ था। बहुत सारी रिसर्च के बाद यह बात सामने निकल कर आई कि यह घड़ी मेड इन स्विट्जरलैंड है। पर अचंभों की बात यह है कि वर्ल्ड में कहीं भी 400 साल पहले स्विट्जरलैंड का अस्तित्व ही नहीं था। रिसर्चों का यह दावा था कि यह वास्तव में ही टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया था। आपको ये घटना कितनी टाइम ट्रेवल पर विश्वास दिला रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली घटना है 1928 में, जब चार्ली चैपलिन की मूवी का प्रमोशन के सिलसिले में एक वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड हो गया। और जब इस वीडियो को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि एक महिला सेल फोन पर बातें कर रही है। अगर मोबाइल फोन की बर्थ डेट की बात की जाए तो वह 1973 है, पर आज से 50 साल पहले 1928 में देखा गया। लोगों ने इस घटना को टाइम ट्रेवल कहा है। तीसरी घटना है 1974, जब मिस्टीरियस मैन इन बुक नाम की एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसमें पुराने जमाने की कहानी और तस्वीरें थी। इस बुक में कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आए जिसमें लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे, पर एक लड़का इस जमाने का कपड़ा पहना हुआ था और उसके अगल बगल के लोग उसे अजीबो तरह से देख रहे थे। इस लड़के ने यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके ही पहुंचा होगा। अब हमारे सामने अगली घटना आती है 1935 में, भविष्य में उड़ान की घटना सामने आई, जब एक एयर मार्शल विक्टर ने अपने विमान से एक एक्सपेरिमेंट किया था। विक्टर ने स्कॉटलैंड से अपने देश की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपना रूट चेंज करके नए रूट से जाने का निर्णय लिया। बीच में एक भयानक तूफान आया जो उनके विमान को नीचे गिरा दिया। उन्होंने देखा कि कुछ विमान मौजूद थे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के थे, लेकिन इतना पुराने समय में एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से थी? ये जरूर टाइम ट्रेवल ही था। अगली घटना है मंगोलिया के अल्ताही पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में पुरातत्वविदों को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली। वह कोई नॉर्मल मम्मी नहीं थी, इसने पैरों में जूते पहने थे और उस जूतों में 3 पट्टी थी। यह एडिडास कंपनी के लोगों की तरह यह एशिया की सबसे बड़ी खोज थी और सबसे बड़ी टाइम ट्रेवल भी। क्या आप इसको टाइम ट्रेवल मानते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेवल की पार्ट में। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। बाय।